हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अच्छे से होंगे। तो वेलकम है हमारे रोड किंग ब्लॉग में आप सबका। तो पिछले ब्लॉग में आपने देखा था, जैसे कि हम लोग मैसूर पहुँच गए थे और गाड़ी हमारी अनलोड को लग गई थी। रात में हम लोग सोए थे, सुबह गाड़ी अनलोड हो गई थी। तो अभी जो है, तीन दिन हम लोग इधर हाल्ट करने के बाद चौथे दिन हमारी गाड़ी हासन के पास, हम बेलूर में है अभी। तो बेलूर से अभी गाड़ी लोड को लगाया है। अभी बज रहे दोपहर के 12 और सुबह से लेबर दूसरी गाड़ी भर रहे थे, तो अभी जो है अपनी गाड़ी लोड को लगाया है। और लोड अभी हमारा कंफर्म नहीं हुआ है, औरंगाबाद, नांदेड़ या बीड, तीन स्टेशन है, तीनों में से कहीं भी हो सकता है। अभी तो लोडिंग चालू है अपनी, तो देखते हैं लोडिंग अभी कन्फर्म होगी तो फिर पता चलेगा अपने को कि माल कहाँ का है। तो हम लोग ने खाना, मतलब खाना उधर से इधर आने के टाइम में खाना पार्सल लेके आया था, खाना वाला भी खा लिया हमने। तो अभी देखते हैं, यहाँ तो जंगल है, एक तो यहाँ पे नेटवर्क नहीं रहता, सबसे मेन बात तो यहाँ पे नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं रहता है। जियो को तो कुछ भी नेटवर्क नहीं रहता, जियो को हर तरफ नेटवर्क आता है, यहाँ पे जियो का नेटवर्क नहीं आता है। एयरटेल में थोड़ा सा नेटवर्क है, दो गाड़ी है एयरटेल में। तो अभी देखते हैं, यहाँ पे मतलब लोडिंग तो लगाया है, अब करते हैं लोडिंग वोडिंग और फिर उसके बाद देखेंगे। तिरपाल उरपाल भी बांधना बाकी है। दोस्तों अभी बज रहे शाम के 4 और देखते हैं अपनी गाड़ी कितनी लोड हुई है, चलते पीछे। माल भरना बाकी है अभी, तो बता रहे कि 2-3 घंटे में लोड हो जाएंगे अपने, बाकी देखते हैं। अभी तो चालू है, उधर दूसरे मिल में और एक जाने का है, तो करते हैं कंप्लीट लोडिंग और फिर करना है रस्सा तरपाल भी करना है। तो दोस्तों अभी बज रहे शाम के 7 और मशीन सॉमिल तो इधर की सब बंद हो गई, और तीन दिन वहाँ हाल्ट होके और एक दिन यहाँ पे, मतलब आज का एक चौथा दिन था हमारा, और चौथा दिन भी ख़त्म हो के अब पांचवा दिन निकलने वाला है। क्यों तो गाड़ी लेबर हमारी आधी छोड़ के चले गए, माल ख़त्म हुआ, माल है नहीं। तो लेबर से भी बात किया, पार्टी से भी बात किए, तो वो बोले अब बाकी का कल लोड करेंगे। देखते अभी कितना माल भरा है और कितना बाकी है, बैडलक चालू है साला, ये चक्कर में 5 दिन हो गए इधर ही है। एक कप्पा पैक हो गया है, दूसरा कप्पा बाकी है, तो बहुत बैड लक चालू है हमारी ये चक्कर। ईद के पहले 2 चक्कर मारना था, वो अभी तो मुश्किल दिख रहा है। देखते हैं अभी क्या कर सकते हैं, बैड लक चालू है और 4 दिन या 5 4 दिन तो 3 दिन तो उधर ही हो गए थे, आज चौथा दिन था और कल 5वां दिन। कल देखते हैं अब कितना टाइम लगता है, तो मिलते हैं सुबह। आप खाने वाने का तो कुछ जुगाड़ है नहीं यहाँ पे, देख सकते हैं चारों तरफ जंगल है, पूरे झाड़ियाँ। चाय खाने का तो दूर की बात है, लेकिन चाय का भी कोई पता नहीं है यहाँ पे। देखते हैं पार्टी से बात करके उसकी बाइक वाइक लेके खाने के लिए जाएंगे। दोस्तों हम लोग 16 किलोमीटर खाना खाने के लिए बाइक पे आए, देख सकते बहुत ठंडी भी लग रही, और वहाँ पे नज़दीक होटल थी लेकिन वहाँ पे खाना मिला नहीं, तो वहाँ से आगे जहाँ पे हम रुकते हैं बेलूर में पेट्रोल पंप पे, उसके पास होटल है, तो आए अभी खाना वाना खाते हैं। बहुत ज़ोर की भूख लगी है अभी। क्या मैं खा रहा हूँ इधर में, तो खाते खाना वाना, बहुत ज़ोर की भूख लगी हुई, सवेरे नाश्ता करे थे हमने, तो खाते और दिन निकलेंगे यहाँ। तो दोस्तों अभी खाना वाना खा के हो गया हमारा, गाड़ी के पास जाते हैं, 16 किलोमीटर जाने का है बाइक से, देख सकते वहाँ पर मतलब खाने का कोई था नहीं, तो अभी चलते गाड़ी के पास सीधा। चलो ना बैठो ना। बेचारे की गाड़ी लेके पेट्रोल तो डालना पड़ता।
के पास, खाना वाना तो हो गया हमारा, रास्ता भी छोटा है। और ये फ्लैट है ना बाइक है, हवा से जैसी हवा आ रही वैसे हिल रही है। तो दोस्तों अभी बज रहे सुबह के 11 और हम लोग खाना वाना खा के रात में आ गए थे। अभी लेबर आए है तो अभी चालू है लोडिंग। तो अभी बज रहे शाम के 5 और अभी तक के हमारी गाड़ी भरी नहीं, और दूसरा दिन मतलब ख़त्म होते आया है और अभी तक के गाड़ी भरी नहीं। तो देखते हैं अभी जाके कितना बाकी है, आज निकल तो जाएंगी गाड़ी लेकिन बहुत टाइम हो रहा है और बहुत ज़्यादा तबीयत बोर हो गई। अब 2 दिन यहाँ पे और 3 दिन वहाँ पे, मतलब 5-6 दिन हमको हल्ट मतलब यहाँ पे रुक के हो गया है। तो देखते हैं अभी कितना बाकी है। कितना बाकी है भैया? कितना बाकी? तो देखते हैं अभी होने में है, हो जाएगा एक घंटे में हो जाएगा। कितना? एक घंटे में, आधे घंटे में हो जाएगा बोल रहे। देखते हैं फिर काटा वाटा भी करना है, चेक करना है और फिर होते ही जैसे जाएंगे काटे पे। अभी लेते हैं बिल विल और काटा वाटा भी करना है, उसके बाद देखते क्या होगा। तो अभी गाड़ी वीडी बांध के पूरी ओके हो गई, तार पाल तो बांधे नहीं हमने, गया है काटे पे, देखते कितना वजन आता है। गाड़ी तो हमने पैक कर डाली पूरी, वजन तो सही आएगा। काटा भी सही आया, 25 टन के अंदर ही थे माल। काटा कंप्लीट बराबर माल आया, 24.5 टन ही था, 25 टन भी नहीं आया। अब इतने चाय वाय और यहाँ से निकलते हैं, करते सबसे पहले टाकी फुल और फिर निकलेंगे। अभी तो भर के हम लोग गाँव में आए पेट्रोल पंप में, जैसे वहाँ से बेलूर से 15-16 किलोमीटर भरने के लिए खेत में जाना पड़ता है, जंगल में। वापस से हम बेलूर में जहाँ पे हम रुकते पेट्रोल पंप पे बेलूर में, वहाँ पे आए। अभी करते टंकी उनकी फुल और फिर निकलेंगे। मीटर पे ध्यान दो दोस्तों। अभी कर लिए टाकी वाकी फुल और अब चलते हैं सीधा, क्यों तो बहुत दिन हो गए, 4-5 दिन हो गए सो के रह रहे। तो आज चलते हैं, माल है अपना औरंगाबाद का, तो फ्लाइट सीधा आप औरंगाबाद उतरेंगी। खाना तो खाया नहीं हमने, खाने की गुंजाइश भी है नहीं, क्यों तो दोपहर में खाना खाए थे हमने, प्याज भी नहीं लेके आए थे पार्सल। तो चलते हैं सीधा, आप जहाँ भूख लगेगी देखते हैं, नहीं तो फिर चलते रहेंगे। दोस्तों अभी हम लोग चल रहे हैं चित्रदुर्गा सिटी में, अभी बज रहे हैं 12। दोस्तों अभी बज रहे रात के 2 और हम लोग है हॉस्पिटल से थोड़ा सा पहले, जैसे रात में निकले थे हम, तो जैसे रात में 6:30-7 बजे जैसे निकले थे हम, तो कहीं भी रुके नहीं। तो अभी देखते टायर वायर चेक करते और चाय वाय पियेंगे और फिर निकलते, तो करते टायर वायर चेक और फिर निकलते यहाँ से। पीते चाय वाय और 4-5 दिन से हम लोग सोए थे, गाड़ी भरी नहीं थी तो ऐसे भी मतलब मेरे को नींद नहीं आ रही थी, तो इसलिए मैं चल रहा, मैंने तो सोफिया में चलाता था। तो दोस्तों अभी करते हैं हॉस्पिटल पास, हॉस्पिटल का आरटीओ वीडियो भी रहता, तो करते हैं अभी हॉस्पिटल हॉस्पिटल पास और फिर देखते हैं जहाँ मतलब मैं जहाँ तक चल सकता, जहाँ पर मेरे को नींद आएगी फिर मैं उसको उठा दूँगा। ये तो मैं हो 3-4-5 दिन से सो रहे हम, और फिर दिन में भी सोए भाई, और फिर अभी भी रात में भी होश है। तो अब चलते हैं,
दोस्तों, अभी बज रहे सुबह के 3:30 और अभी हमने हॉस्पिट विस्पिट पास करे और ये भी उठ गया सुफियान, तो अभी मैं सो जा रहा हूँ और सुफियान चलेंगे गाड़ी, तो चलते देखते सुबह, मतलब सुबह कहाँ तक हो सकती है हमारी। तो सुबह मतलब बीजापुर अलमट्टी से आसपास हो जाएंगी, तो चलते फिर। अब मैं तो सो जाऊँगा, हमारी सेठ की नींद हो गई। अब दोस्तों अभी बज रहे सुबह के 9 और हम लोग जो है पेट्रोल पंप पे आए थे सुबह से। मैं 3:30-4 बजे से सोया था, सुबह चला रहा था गाड़ी और अभी जो है तो मैं उठ गया। फ्रेश वगैरह हो गए, देख सकते कितना बड़ा पंप है। और अब चलते हैं सीधा बॉर्डर पे, सकते सारी गाड़ियाँ खड़ी है और यहाँ पे झलकी बॉर्डर। और सुफियान गया एंट्री करने, करते बॉर्डर पास। आ गया सुफियान भी, और अभी है हम महाराष्ट्र बॉर्डर पे, देख सकते हैं दोनों इधर एक फुल लाइन भरी है और इधर एक पूरी गाड़ियों की लाइन लगी और एक हमारी वाली लाइन। जो लाइन में हम घुस जाते वही लाइन नहीं चलती, बाकी के सब लाइन चलते। तो अभी करते हैं महाराष्ट्र बॉर्डर पास और फिर करेंगे नाश्ता वास्ता कहीं रुक के, वीडियो भी बनाना है, रील्स 2-3 रील्स भी करना है, तो देखते हैं अभी बॉर्डर पास करके। दोस्तों अभी बज रहे हैं दोपहर के 12 और हम लोग जैसे सुबह फ्रेश होके निकले थे तब से कहीं भी रुके नहीं थे, तो अभी करते हैं नाश्ता, मतलब अभी खाना ही खाएंगे और यहाँ से सीधा बीड़ी जाएंगे, सीधा अपने शॉप पे जाएंगे। सुफियान भी गया है फ्रेश होने, तो खाते हैं खाना वाना और फिर निकलेंगे यहाँ से। देखा अभी उस्मानाबाद पास करके एडीसी टोल पे है हम। तो दोस्तों अभी खाना वाना खा के हो गया हमारा और अब जो है सीधा चलेंगे बीड़। 2-3 घंटे का रास्ता बचा है। हाँ दोस्तों अभी आ गए हम बीड़ में, देख सकते हैं अपनी शॉप पे, चलते हैं शॉप पे और देखते हैं क्या चालू है। देख सकते हैं अभी हम लोग आ गए अपने दुकान पे, देखते हैं दुकान का भी मतलब क्या जजमेंट है, क्या कम है क्या ज़्यादा है, और देखते यासीन से भी बात करते और क्या मतलब गाड़ियों की डिमांड आ रही है, क्या चीज़ अपने पास कम है क्या ज़्यादा है, जो कम होगी वो हम लोग जितना हो सकता जल्दी से जल्दी मंगवाएंगे या फिर मैं खुद जाऊँगा। शॉप का नंबर फिर से एक बार बता रहा हूँ मैं, 8055868484, और अपने शॉप का एड्रेस है औरंगाबाद से अगर गाड़ी आ रही है तो भीड़ बाईपास एंड होने के बाद 5G होटल के सामने, और अगर उस्मानाबाद सोलापुर से अगर गाड़ी आ रही है भीड़ बाईपास स्टार्ट होने से पहले लेफ्ट साइड में 5G होटल के सामने। और जानकारी के लिए शॉप का नंबर भी दिया हुआ है, शॉप के नंबर के व्हाट्सएप के बायो में शॉप का लोकेशन भी डाला हुआ है। और हम लोग भी जैसे मतलब भीड़ में आ गए हैं, तो कल रात से जो हम लोग चल रहे थे देख सकते हैं अभी हालत भी बहुत ख़राब हो गई है, तो ब्लॉग आज का सच में बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया है, तो अभी करते हैं ब्लॉग को यहाँ पे एंड। तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करके जाना।